बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हम भी खैरियत से हैं। अभी जी सुबह का टाइम है और सुबह के तकरीबन 9 बज रहे हैं और हम अपना काम काज कर रहे हैं और मेरे घर की हालत देखें कितनी बुरी है, ये देखें। और हालात दिन ब दिन बिगड़ते ही चले जा रहे हैं और चैनल पे भी मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो अभी जी सुबह का टाइम है और काम काज कर रहे हैं मैं और सिस्टर दोनों मिलजुल के। आज बच्चों को स्कूल से छुट्टी है तो वो अपना खेल रहे हैं। नाश्ता वगैरह हमने अभी तक नहीं बनाया क्योंकि सारा काम ख़त्म करके फिर नाश्ता बनाएंगे। और इधर मैंने इस रूम की सफाई कर ली है, आज सुबह फर्श धोए थे पाइप के साथ क्योंकि पोचा वगैरह तो लगता नहीं है क्योंकि हमारे फर्श ऐसे नहीं है कि पोचा लगाया जाए। बाकी जितनी भी हो सकती है हम सफाई कर लेते हैं। इस रूम की भी सफाई मैंने कर ली है तो बाकी कपड़े वगैरह भी धुल रहे हैं। तो अभी बनाएंगे नाश्ता क्योंकि बच्चों को भी भूख लगी हुई है। और ये देखें इस रूम की कंडीशन कितनी बुरी है। मेरी आप तमाम बहन भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और मेरे वीडियो को पूरा देखा करें। मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, बात रखे। ये देखें कितनी बुरी हालत हो गई है इस कमरे की, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। अभी जी कपड़े धुल गए हैं हमारे और इधर हमारी सब्जियां भी, ये देखिए थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही हैं। बाकी चीज़ें तो अभी क्लियर नहीं है लेकिन मेथी साफ नज़र आ रही है, ये देखें। अभी जी शाम का टाइम है और शाम के 6 बज रहे हैं और अभी मैं बाहर आई थी थोड़ी देर के लिए और ये हमारे साथ जो धान था चावल की फसल ये काट ली थी इन्होंने और इसको ना इकट्ठा करके दरमियान मैंने खड्डा बना के ना इसमें इन्होंने ना हाथ से, ये देखें हाथ से ना उसको ऐसे निकाला है। ये जो दीवारें बनी हुई हैं यहाँ पर मारते हैं ज़ोर से और आगे से ना बीज सारा निकल आता है। ये फुल हो गया था तो अभी वो लेकर चले गए हैं, ये देखिए। और ये पलाली जो है ये अभी पड़ी हुई है खुश्क होने के लिए रखती है इन्होंने और अभी मगरब होने वाली है और अभी बनाएंगे खाना। बच्चे इधर खेल रहे हैं इसी खड्डे में, ये हमारे गाँव का माहौल और ये सारी पलाली पड़ी हुई है और इधर देखो बच्चों। इधर हमारा घास भी ख़त्म हो गया है तो वो जो गोबर वगैरह पड़ा था जानवरों का वो कल सारा फैला दिया था पूरे क्यारे में। कल इसमें हल चलाएंगे और परसों तक फिर बीज बो देंगे। अभी देखें सूरज नज़र नहीं आ रहा तो अभी थोड़ा सा ना उजाला है, अभी अंधेरा नहीं हुआ मुकम्मल। मैं बनाऊंगी अभी सालन
और शाम की जो भी रूटीन होगी वो मैं आपसे शेयर करूँगी। और बच्चे भी अभी घर आ जाएंगे, खेल रहे हैं उसी पलाली में। जानवरों ने भी अपना घास वगैरह खा लिया और अभी गाय का दूध निकालेंगे। गाय देख रही है कि मेरा दूध निकालें, इसको जल्दी होती है। इधर सालन की तैयारी भी हो गई है, अभी अम्मी जान आग जला रही हैं और आज हम बना रहे हैं आलू मटर। ये अम्मी जान ने आलू काट दिए हैं और ये हरी मिर्च वगैरह, धनिया और ये लहसुन वगैरह भी कूट लिया है। अभी मैं बनाऊंगी सालन। अभी जिस सालन मेरा बन रहा है मैंने इसमें सब कुछ डाल दिया, थोड़ी देर में बन जाएगा तो बनाएंगे फिर रोटियां। मगरिब की अजान भी हो गई है अभी।